जी व्हाई ऑलवेज फाइव प्लस चार बच्चे निकल पड़े हैं स्कूल दिस लिफ्ट इज फास्टर दैट्स व्हाट दिस ऑलवेज कम्स फास्ट तो नहा लिया है मैंने और अब बस आते ही ऑफिस स्टार्ट करूंगी एंड माय नेल्स स्टिल लुक हॉरिबल दो में कोई और शेड है तीन में कोई और शेड है ऐसी लुक दिस यू हैव टू पुट Look how beautiful these flowers are. Chalo, chalo, go. Don't leave me. Don't leave me. I'm not leaving you. Let's go. Look at this rose tree. Kitna bada hai. Chhoda hai. Sare bachche bahut excited hai. बकिंगम पैलेस जाने के लिए और मैं भी एक्साइटेड हूँ मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ताशी इज़ गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप मतलब गई थी एक बार ये बहुत बचपन में टू अ सुपरमार्केट इंडिया में जब वो 2.5 साल की थी बिकॉज 2.5 साल में शी वेंट टू नर्सरी एंड आई थिंक 4-5 मंथ्स उसने स्कूल किया था फिर उसके बाद कोविड आ गया था तो उसके बाद स्कूल गई नहीं है सो उसके हिसाब से दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ गोइंग आउट विद टीचर्स विद किड्स ब्ला 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 सो इट्स गोइंग टू बी रियली फन एंड वो लोग ट्रेन व्रेन करके जाने वाले हैं तो दे आर गोइंग टू गेट लंच बॉक्सेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई पिकनिक इन बचपन के डेज चलो घर चलते हैं क्योंकि ऑफिस है ट्रेनिंग है तो मैं घर घुसती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे पति देव ने सारे ये बर्तन धो दिए थे मैंने रात में नहीं धोए थे मैं जो सुबह धो दूँगी तो ही वॉश्ड ऑल दीज बर्तन चाय का बर्तन धो के चाय भी बनाई एंड बना के उसने माइक्रोवेव में रख दिया सेइंग कि चाय जो है माइक्रोवेव में है टाइम 8:16 हो गया मैं एग्जैक्टली 8:15 पे घर घुस गई थी अब ऑफिस की तैयारी करते हैं देखते हैं आज का क्या दिन है Vacuum cleaner is here. This is what it's going to look like. आज मौसम कुछ ऐसा है एकदम क्लाउडी है ठंडा भी है गनीमत इट्स नॉट रेनिंग नहीं तो ये बच्चों का ये बकिंगम पैलेस वाला ट्रिप एकदम बर्बाद हो गया हो गया है 1:30 मेरे को ताशी को लेने जाना है और हो रही है यहाँ पे बारिश सो आई एम थिंकिंग कि ट्रेन लेके जाऊँगी निकल पड़ी हूँ ताशी को लेने प्लान तो था कि मैं ट्रेन से जाऊँगी बट आई थिंक छाता से मतलब फॉर सम रीज़न नीचे उतरते उतरते बारिश जो है हो रही है बट बहुत तेज़ नहीं हो रही है मतलब
आई थिंक ये वाटरप्रूफ जैकेट और कैप और छाते से काम चल जाएगा, पर चलो अब मैं फ़ोन अंदर करके और टोपी वोपी पहनती लाइक अ ब्यूटिफुल गर्ल। ताशी हैज चेंज्ड हर क्लोथ्स, केप्ट ऑल द थिंग्स हियर विदाउट एनी सुपरविजन एंड शी इज मेकिंग समथिंग राइट। लुक एट दिस एंजल, टू एंजल एक्चुअली। एंजल्स? यस, दिस एंजल हैज अ यूनिकॉर्न एंड दिस एंजल इज अ पावरफुल, शी कैन। दिस गर्ल हैज अ यूनिकॉर्न to help her, and this girl has no unicorns. She can do adventures on her own. Actually, those angels don't need unicorns because they already have wings to fly. Are you wearing ulta frock? Why do you always wear ulta frock? I don't really know the sign because there's no sign. They are all just the same. Very cute too. Wait. You want to read a book? Let me see which book I can read with you. Okay. This is Ashu's food. Lunch. Very healthy this is. Hello, Mr. Sanwal. Thank you. Isn't it looking beautiful? Very beautiful. Come there and eat. You're gonna come there? Dekhna, gire nahi. Pata, it wasn't raining very heavily. Drizzle ho raha tha, toh main paidal hi gayi, paidal hi aa gayi thi. This girl is coloring but not eating. Why are you not eating? Yummy, yummy pasta. Chalo. Come closer. Come closer. Look here. Ground template. देखने में तो मैं एकदम पागल भूत लग रही हूँ, but okay, my day is over. Time हो रहा है कुछ 4:45. My training is over. And this is what Tashi is doing, coloring her crown, Elizabeth's crown, and cutting it beautifully. She's able to do it and eating a banana that is giving her the energy, isn't it Tashi? Ghar ka kaam ab start hone ja raha hai, starting with bartan dhona. Lunch ke bartan dhungi एंड थोड़ा घर ठीक करना है. सूटकेस और ना एकदम मैचिंग है. मैं चादर के साथ भी मैचिंग हूँ. तो इन सबको मेरे को जो है सूटकेस में डालना है. आशु गया हुआ है वॉक पे और मुझे ये औखात दो एक्टा नेल पॉलिश के छुटाना है. तो ये मैंने बड़ा ही अजीब से कुछ किया हुआ है. ये सब अंदर डालूंगी, ये बर्तन धोऊंगी, डिनर की तैयारी करूंगी एंड हाँ यही सब करना है और झाड़ू पोछा करना है. नो टाइम टू किल इफ यू गेट द जोक फ्रॉम नो टाइम टू डाई मूवी कैसीनो नहीं जेम्स बॉन्ड का रेफरेंस. जा रहे हैं हम लोग वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट करने. टू एक्साइटेड फॉर दिस? हाँ, व्हाई आर यू टू? आई एम एक्साइटेड बिकॉज़ मैंने ना कभी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नया है और इस धरन का
इस धरन का वैक्यूम क्लीनर यूज नहीं किया है, प्लस इट हैज अ ट्रांसपेरेंट डस्ट बैग ना जो बाहर से दिखेगा। तार कितना लंबा है ना शिटा? हाँ, वो खोलो। एलेक्सा हटा के लगा दूंगे। हाँ। आवाज़ क्या आ रही है? I want to see क्या हो रहा है। अरे कितना कचरा आ गया already। I can see a big lump of dust। अच्छे से अलमारी के नीचे चला गया। से मिलती हूँ जब पूरे घर का वैक्यूम कर लेंगे, at least the carpet area, to ऐसा लग रहा है जैसे आई थिंक पिछले एक साल का कचरा निकला है। ये सिर्फ हमारे कमरे से, आशु मेरे को लग रहा है इसने कारपेट के टुकड़े भी उठा लिए। अच्छा किया है, कारपेट घिस जाएगा ऐसे करेंगे तो। देखो तो वहाँ घिसा है कारपेट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये सब क्या है? ये कारपेट के तो हेयर है, ये डस्ट है जो कारपेट में फंसा हुआ है। तासी का कमरा करने के बाद इतना धूल निकला है। आई थिंक आज ही खाली करना पड़ेगा इसका ये बैग। अरे बाबरे आशु, आर यू श्योर? दिस इज ऑल डस्ट, कांट यू सी? दिस इज नॉट द कारपेट का। दिस इज नॉट कारपेट का। व्हाट? ये कारपेट का तुम्हें लग रहा है? यार इतना डस्ट निकला है। एक ब्रश है तुम्हारे पास इसको झाड़ने के लिए? डीप क्लीनिंग ऑन। अभी इतना फनी हुआ, मैं जो हेडफोन्स पहन के बैठी हूँ और मैंने ना कुछ देखना शुरू कर दिया, लाइक शॉर्ट्स रील्स कुछ ऐसे ढूंढ रही थी एक्चुअली मैं। तो ये कह रहा है कि हेडफोन्स पहनो, तो मैं कह रही हूँ पहने तो है मैंने, तो तुम्हें मतलब ये मैंने पॉज करके बोला कि पहने तो है मैंने, तो कह रहा है कहाँ दिखाओ, तो मैं दिखा रही हूँ पहने हुए मैंने, तो कह रहा है प्ले करो फिर से। तो मैंने प्ले किए, आवाज आई, मैं कह रही हूँ यहीं से तो आ रही है आवाज, यहाँ से नहीं आ रही है क्या? तो कह रहे हैं मुझे कैसे सुनाई दे तो मतलब मैं हेडफोन्स पहनी हूँ ऐसे, पता आशु मेरे साथ बहुत बार ऑफिस में भी होता है, मैं नहीं सुनो तो मैं हेडफोन्स पहन लेती हूँ, बट उसको मैं लैपटॉप से प्लग इन करना भूल जाती हूँ। तो मुझको यही लगता है कि यार कुछ वियर्ड है, बट मतलब दूसरा आदमी तुमसे बात कर रहा है तुम सुन पा रही वीडियो की आवाज आ रही है फिर बोल तो बेवकूफ अच्छे से बोलो तो अच्छे से बोलो आप बेवकूफ है बहुत बड़े ओके कैसा लग रहा है? मतलब 3 days to go awesome लग रहा है। क्या क्या बचा हम लोग अभी करने के लिए? इतना ऑफिस का काम बचा है करने के लिए, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता अभी क्या है। आई लीव द रेस्ट टू यू मैडम टॉप टैलेंट। ऐसे क्यों बोल रहे तुम? तो टॉप टैलेंट हम तो जेल कुकड़े हो रहे हो। तुम स्कूल राम नहीं, मैं वेरी हैप्पी। तुम खूब तरक्की करो और मैं फिर बैठ के ऐश करूँ। हाँ ठीक है, चलो आज की सभा यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। कल एक नया दिन लेकर आएंगे। सी यू टुमॉरो, बाय।